दोपहर देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में जमकर बवाल हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज की खबर सामने आ रही है। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज हुआ है। लाठी चार्ज में कई बीजेपी नेता घायल हो गए हैं। महिला कार्यकर्ताओं पर भी लाठी चार्ज किया गया। बीजेपी के तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर यहां पर विधानसभा कोच की कोशिश की जा रही थी। डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था। विधानसभा का घेराव करने के लिए ये सभी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस की ओर से लाठी चार्ज किया गया और बताया जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता इस लाठी चार्ज में घायल हो गए। तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं लाठी चार्ज के दौरान की, जब बड़ी मुश्किल से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर काबू पाया गया और पुलिस को यहां पर लाठी चार्ज भी करना पड़ गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ साथ लाठी चार्ज भी पुलिस को करना पड़ गया, जिससे कि भीड़ को खदेड़ा जा सके। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था। कुछ महिला कार्यकर्ता भी यहां पर शामिल थी। विधानसभा का घेराव करने की कोशिश इनकी ओर से की जा रही थी और इसी दौरान पुलिस ने इन सभी पर लाठी चार्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला कार्यकर्ताओं पर भी लाठी चार्ज किया गया है, जिसे लेकर बीजेपी में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लाठी चार्ज के दौरान की। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी दौरान दौड़ा दौड़ा कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। विधानसभा घेराव करने ये सभी जा रहे थे और पुलिस की ओर से लाठी चार्ज किया गया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन बावजूद इसके जब भीड़ नहीं रुकी, बीजेपी कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं हुए, इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज के दौरान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। कई बीजेपी के नेता इस लाठी चार्ज में घायल हुए हैं। महिला कार्यकर्ता भी घायल बताई जा रही हैं। तो इस्तीफे की मांग की जा रही थी। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग के लिए बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे। बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी और इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा कूच की तैयारी थी। विधानसभा की ओर ये सभी आगे बढ़ रहे थे, घेराव करने की तैयारी थी, लेकिन इस बीच लाठी चार्ज किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं का जत्था डाक बंगला पहुंच चुका है और इससे पहले स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। जरा आपको दिखाते हैं किस तरह से पटना पुलिस के तमाम जवान जो है सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं और किसी भी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। सैकड़ों जवानों की तैनाती की गई है। देख सकते हैं कि बिहार पुलिस के साथ साथ तमाम जो रैपिड एक्शन फोर्स है, उसके अलावा वाटर कैनन, तमाम चीजें आप देख सकते हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं और देखिए विजय सिन्हा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, देखिए विजय सिन्हा भी जो है वो कहीं ना कहीं चोटिल। विजय सिन्हा से हम सीधी बातचीत करेंगे। ये बताइए सर, तो ये देखिए वाटर कैनन चलाया गया है और उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए आप स्थिति की, बैरिकेड किया गया है क्योंकि जेपी गोलंबर से कार्यकर्ता और नेता जो है क्रॉस कर गए। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस कर्मी जो है वो हेलमेट लगाकर जैकेट लगाकर पूरी तरह से तैयार है। कुमार के लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है और आज इस तरह हमारे कार्यकर्ता सांसद विधायक को पीटने का काम किया गया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हमने कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया है। ये शांतिपूर्ण जुलूस है और हम विधानसभा मार्च करने का निर्णय किया है और बीच में ही पुलिस को लाठी चार्ज किया है, हमारे सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया है। यही नीतीश जी का लोकतंत्र कह रहे कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और ये कौन सा लोकतंत्र है कि शांतिपूर्ण एक मुख्य विपक्षी दल है और सारे विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके प्रदर्शन को भी इस प्रकार से और उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उस पर असुर गैस का गोला छोड़ा जा रहा है। देखिए इसका बदला जनता अगले विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर लेगी। और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है जहां पर मॉनसून मुसीबत बनकर लगातार बरस रहा है। दिल्ली में सभी स्कूल और कॉलेज बंद करा दिए गए हैं। रविवार तक
सभी स्कूल और कॉलेज के छुट्टी की घोषणा कर दी गई। सभी यूनिवर्सिटी में भी रविवार तक बंद का ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। DDMA की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली से तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है और सभी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो दिल्ली सरकार की ओर से अपील भी की गई है कि सभी लोग अलर्ट रहें, क्योंकि अभी जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है कि बारिश अगर और ज्यादा होगी तो स्थिति दिल्ली में इससे भी ज्यादा दयनीय हो सकती है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में इस वक्त क्या हालात हैं। कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में मुसीबत बनकर ये बारिश बरस रही है। तो देश के कई इलाकों में तेज बारिश से लोगों के लिए आफत बनी हुई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आसमान से बरस रहे पानी ने पहाड़ से लेकर मैदान तक कहर मचा दिया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों में ये बारिश कहर बनकर टूटी है। कई शहर पानी में डूब चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप 8 अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं। पौड़ी से तस्वीर है जहां पर पहाड़ से मलबा गिरा, सड़क जाम हो गई। पानीपत में कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। करनाल में सेना का ट्रक फंस गया। अमरोहा में सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। तो वहीं दिल्ली में तो पानी खतरे के ऊपर बहने लगा है। यमुना नदी में लगातार चादर चल रही है। वहीं लाहौल स्पीति में सड़क पर बर्फ जमा हो गई है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर NDRF की टीमें लगातार मुस्तैद हैं। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। यमुना का जल स्तर कई सालों के बाद रिकॉर्ड तोड़ बढ़ता चला जा रहा है और अंदेशा यह भी है कि अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो बाढ़ का खतरा बरकरार है। निचले इलाकों में लगातार जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली के यमुना बाजार की भयावह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। स्थिति यहां पर क्या है, आप जरा तस्वीर देखिए किस तरह से यहां पर यमुना अपने जलस्तर से जो खतरे का निशान है उससे 2 मीटर ज्यादा से बह रही है। अभी जो ताजा आंकड़ा है उसके मुताबिक 207.37 मीटर, यानी कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और नजरें इस बात पर हैं कि क्या 50 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा आ गया। एक बार जरा मेरे कैमरा पर्सन करम सिंह आपको दिखाएंगे बोट के जरिए कि हम किस तरह से अंदर की तरफ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो घर है यमुना किनारे, यमुना बाजार में, यहाँ क्या स्थिति है आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर है ये पूरी तरह से डूब चुके हैं। यहाँ विजुअल्स आप देखिए जरा किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आसपास की जो यहाँ इलाके की बिजली है वो काट दी गई है। आपको बता दें कि करीब 1200 लोग यहाँ पर रहते हैं इन इलाकों में। कुछ लोग जा चुके हैं और कुछ लोग अभी भी अपने छतों पर हैं। देखिए सामान निकाल रहे हैं, देखिए किस तरह से सामान निकाल रहे हैं। एक बार जरा हम पास में जाने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि स्थिति क्या है। ये वो लोग हैं जो यमुना के किनारे रहते हैं, तैराकी जानते हैं। ITO जहां पर यमुना का पानी दिल्ली की सड़कों तक पहुंचा, ITO पर पानी ही पानी और ट्रैफिक बाधित हो गया। तो दिल्ली के ITO से ये तस्वीरें हैं, जहां पर अमूमन हम तस्वीरें देखते हैं कि वहां पर काफी संख्या में वाहनों का रिलम पेल रहता है। और इस बीच ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद चिंताजनक है। कई गाड़ियां पानी में फंसी हुई नजर आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। 1978 में इससे पहले इस तरीके का नजारा देखा गया था। 1978 में 207.49 जो जलस्तर था, लेकिन इस बार की बात अगर हम करें तो 208.32 पर यह जलस्तर पहुंच गया है। और आप देखें कि नजारा ये है कि
यमुना का पानी अब नदियों पर आ गया है। इस वक्त हम आईटीओ का नजारा आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के प्रमुख चौराहों में आईटीओ आता है, क्योंकि यहां से जाने के लिए अगर उधर की तरफ आप देखें तो नोएडा की तरफ जाने का रास्ता है, और दूसरी तरफ नजर डालें तो नोएडा से जो लोग दिल्ली में काम करने आते हैं उनके लिए यही एक मेन रास्ता है। और यहां आने जाने वाले लोगों को पानी का सामना करना पड़ा है, जलभराव की स्थिति है, सड़कों पर यमुना का पानी आ गया है। पानी भर जाने के कारण लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। जो लोग अपने घर से ऑफिस के लिए निकले हैं वो समय से नहीं पहुंच पा रहे, या जरूरी काम के लिए निकले हैं वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जिस तरीके से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि हथनी कुंज बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, और इसके चलते ही चंद्रावल ओखला बैराज को अभी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसको बंद कर दिया गया है। और इनके बंद करने से आने वाले समय में दिल्ली में पानी की समस्या भी हो सकती है, और साथ ही साथ जलभराव के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग जूझते हुए आपको जरूर नजर आ रहे होंगे। गाड़ियां जो हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाएं तो यहां पर ऑफिसेज भी है, जो लोग ऑफिस में जाना चाहते हैं वो पानी से होकर उनको जाना पड़ रहा है। आप देखिए तो यहां पर ऑफिस है, और ऑफिस में जाने वाले लोग किस तरीके से जा रहे हैं उनके लिए भी परेशानी है। तो लगातार बढ़ता यमुना का जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं इन दिनों दिल्ली में कहर बरपा रहा है, और तस्वीरें साफ आपको हम न्यूज 18 के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप जहां तक नजर डालेंगे आपको पानी पानी नजर आएगा चारों तरफ, चाहे वो फुटपाथ हो चाहे वो सड़क हो, वहां पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मानो पानी ने एक तरीके से त्राही त्राही मचा रखी हो, क्योंकि लगातार बढ़ता यमुना का जल स्तर जो है वो दिल्ली पे कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यमुना के जलस्तर बढ़ने के बाद ट्रैफिक जाम हो गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है, कुछ रास्तों को बंद भी कर दिया गया है। NH24 पर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। ट्रैफिक डायवर्जन के कारण भारी ट्रैफिक देखने को मिला उत्तर पूर्वी दिल्ली में। शास्त्री पार्क, खजूरी, पुस्ता रोड और खजूरी खास चौक पर भारी ट्रैफिक जाम लगा रहा। राजधानी दिल्ली में जिस तरह यमुना का जलस्तर बढ़ा है, और उसके बाद दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने कुछ रास्तों को बंद कर दिया है, जो फिलहाल कश्मीरी गेट या फिर वेस्ट दिल्ली की तरफ जाते थे, जिसका असर अब राजधानी की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ये फिलहाल NH24 है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह NH24 पर लंबा गाड़ियों का काफिला देखने को मिल रहा है। फिलहाल वजह है कि जिस तरह दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई और ये कहा गया है कि रास्ता बंद कर दिया गया, उसके बाद से सड़कों पर लंबी गाड़ियों की कतार देखने को मिल रही है, और यह कतार लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है जहां पर गाड़ियों का मूवमेंट देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा फिलहाल इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि ये ऑफिस का समय है और इसलिए ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय NH24 पर खड़े हुए हैं, जहां पर सीधे ये रास्ता ITO सरायखालेखा और फरीदाबाद की तरफ जाता है, लेकिन चूंकि लंबी गाड़ियों की कतार होने की वजह से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये फिलहाल जो ट्रैफिक है वो वजह ये है कि राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कुछ रास्ते एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी करके ये जानकारी दी गई है कि एहतियातन जो लोग हैं वो उन रास्तों पर ना जाएं जहां पर पानी सड़कों पर आ गया है, और इसका असर अब राजधानी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और वजह है कि गाड़ियों की लंबी कतार फिलहाल लग गई है, जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मनमोहन के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारी बारिश से तबाही का मंजर निकलकर सामने आ रहा है। हिमाचल में बाढ़ के हालात हैं, बारिश से 88 लोगों की मौत हो चुकी है। मंडी कुल्लू में लोगों का रेस्क्यू किया गया, वायुसेना को रेस्क्यू में लगाया गया है, हेलीकॉप्टर से फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हिमाचल में तकरीबन 4,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। कुल्लू मनाली मंडी में 13 पुल बह गए। हिमाचल प्रदेश में 873 सड़कें बंद हो चुकी हैं।
तो बारिश ने हाहाकार मचाकर रखा हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान इस बारिश की वजह से, और इसके साथ ही उत्तराखंड में भी तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से जहां कई सड़कें बंद हो गई हैं, तो वहीं संपत्ति और जान माल को भी भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के जिले सोलन में जगह जगह पर बड़ा लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। एक तरफ से सड़क बंद है, सिर्फ छोटी गाड़ियों को जाने की इजाजत मिल रही है, बड़ी गाड़ियों को शिमला की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। घंटों बंद होने के बाद चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल के लिए खोल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में है, चंडीगढ़ से शिमला के रास्ते में है, लेकिन जब परमाणु से आगे बढ़े तो यहाँ देख सकते हैं परमाणु एक क्षेत्र है, वहां से आगे बढ़ने पे किस तरह का भूस्खलन हुआ है, यानी लैंडस्लाइड हुआ है, और एक तरफ का रास्ता बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर है चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और यहाँ एक तरफ से रास्ता पूरी तरह से बंद है। बड़े बड़े पत्थर सड़कों पे गिरे हुए हैं, कोई भी इस रास्ते से गुजर नहीं सकता, इसलिए प्रशासन ने कई घंटे तो पूरा का पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद था। कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक्स थे, लेकिन अब छोटे वाहनों के लिए खोला गया है। बड़े ट्रक इस रास्ते पर अभी जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ एक रास्ता खोला गया ताकि लोग आ जा सके। छोटे वाहन जो पारिवारिक गाड़ियां होती हैं, छोटे छोटे मालवाहक वाहन इस रास्ते से गुजर सकते, लेकिन बड़े वाहनों की जाने की मनाही है। तो कर लेते हैं अगली खबर का। दिल्ली के अलीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जीटी रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर एक जानलेवा सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुल 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये सड़क हादसा तब हुआ जब अलीपुर से मुकरबा की तरफ आ रहे ट्रक ने अपना संतुलन खो दिया और ट्रक डिवाइडर तोड़ता हुआ दूसरी तरफ आ रहे कांवड़ियों के ट्रक में टकरा गया। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में ये पाया गया है कि दिल्ली आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित हो गया, सड़क के डिवाइडर को तोड़कर हरिद्वार की ओर जा रहे दूसरे ट्रक से टकरा गया। ट्रक पर कम से कम 20 कांवड़ यात्री सवार थे। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि कुल 15 लोग घायल हुए हैं, जबकि 4 की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी यात्रियों का भी पता लगाया जा रहा है। दूसरे ट्रक का चालक फरार है। पुलिस ने कहा कि सड़क को यातायात के लिए साफ कर दिया गया है, मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। फ्रांस में परेड में पीएम शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, शाम 4 बजे शामिल होने के लिए पेरिस बेस्टिल डे परेड, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट होंगे। भारतीयों को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम के सम्मान में राजकीय भोज भी रखा गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के लिए रवाना होंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के गुरुग्राम में एनएफटीज, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि बहुपक्षीय सहयोग राष्ट्रों को साइबर सुरक्षा के उभरते खतरों से सुरक्षित रखने में सफलता की कुंजी है। साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम पर विचार विमर्श करने के लिए इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क के विकास में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में ग्लोबल कोऑपरेशन को बल मिलेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त और सुरक्षित बनाने और टेक्नोलॉजी की शक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित और सक्षम अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को बढ़ावा देना है। मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी इस पहल को रिस्पॉन्ड किया है। इस सम्मेलन में G20 सदस्यों के अलावे 9 अतिथि देश और 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी भाग ले रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आईटीबीपी के जवानों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। लेह में इंडो चाइना बॉर्डर पर 15,000 फीट पर रात के 10 बजे भीषण ठंड और तूफानी हवा के बीच में सीमा की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवानों का जोश देखते ही बन रहा था।
इंडो तर्किन बॉर्डर पुलिस जो हमारी है उसके जवानों का जोश देखकर आईटीबीपी का ये पूरे देश में पता चलेगा कि हमारे देश के जवान कितनी मुस्तैदी के साथ कितने जोश के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर है जहां पर बड़ा हादसा होते होते टला है। अग्नि तांडव देखने को मिला। होटल के छत पर आग लग गई। कूलिंग सिस्टम में आग लगी। रानी बाजार इलाके की एक घटना है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। मनीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, चूंकि बाजार का मामला है, कई लोग वहां पर रहे होंगे, क्या कुछ नुकसान की खबर मिल पा रही है अभी? जी, बीकानेर शहर का रानी बाजार जो क्षेत्र है काफी व्यस्ततम इलाका माना जाता है और काफी यहां पर जो कारोबार है वो भी यहां पर फलता फूलता रहता है। यहीं पर शीघ्र में एक जो होटल है उसमें टेरेस पर आग लग गई थी। लगभग जो एसी की जो मोटर्स रखी हुई थी उनके पास में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है। हालांकि मौके पर जो मौजूद थे होटल कर्मी थे उन्होंने जैसे तैसे करके आग पर काबू पा लिया है। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पाया, ना तो कोई जनहानि हुई है ना ही किसी तरह के कोई ज्यादा जनहानि हो पाई है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से आग लगी है होटल के टेरेस पर, अगर आसपास के और इलाके रहते, अगर आग अपने ज्यादा इसको आग ज्यादा पकड़ती तो आसपास में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा जो है वो बड़ा इसको अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन निश्चित तौर पर जो होटल कर्मी उन्होंने भी तत्परता दिखाई और मौके पर जो फायर फाइटिंग सिस्टम थे उनके जरिए आग पर काबू भी पा लिया गया। जी, ये बड़ी राहत की बात आप बता रहे हैं कि मनीष की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन क्या ये पता चल सका है कि आखिर ये आग कैसे लगी थी? प्राथमिकी जांच में अभी क्या खुलासा हो सका है? देखिए, फिलहाल जो शॉर्ट सर्किट है उसको कारण बताया जा रहा है, क्योंकि बीकानेर में गर्मी जो है वो प्रचंड रूप पर अभी अपना रुख जो है वो दिखा रही है और कहीं ना कहीं पर शॉर्ट सर्किट है उसको सबसे पहले इसका प्रथम दृष्टया कारण जो है वो माना जा रहा है आग लगने का। हालांकि जांच होने के बाद नहीं पता लग पाएगा, लेकिन जिस तरीके से की जो मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला